हमेशा दोषी माना जाता है मीडिया, मीडिया को दोषी मानने वाले वो भी ये सुन ले कि मीडिया कभी प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता, मीडिया हमेशा सच्ची खबरों को दिखाता है, उन जनता की वो सच्ची खबरें जिसे आप हमेशा देखते हैं। तो जब भी कोई ऐसा वारदात होती है या अफवाहें फैलती है तो हमेशा कुछ लोग जो है वो मीडिया को ही दोषी मानते हैं। जीशान भाई, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्यों दोषी माना जाता है मीडिया को, हर बात में दोषी माना जाता है, क्या कहना चाहते? देखिए, मैं आप मीडिया से हो तो ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करने कुछ बोलूंगा। आप जैसी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, सही न्यूज़ कवर कर रहे हैं, लेकिन वही कई कुछ चैनल्स ऐसे भी है जो वाकई में कई बार अफवाह फैलाते हुए नजर आते हैं। इसीलिए कुछ कुछ चैनल्स की वजह से बाकी के भी मीडिया वाले बदनाम होते हैं। मीडिया को दोषी मानना हर चीज़ में, मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ देना कि इन लोगों ने मसाले के लिए कुछ भी फैलाया है, कई बार ये इंडिकेशन मिलता है कि अगर कोई भी अथॉरिटी अपना काम करने में बुरे तरीके से, कि आपके चैनल पे मैंने वीडियो देखा, वो एक कल जाफरनगर में 12-13 साल के करीब का बच्चा आंसू बहा रहा था, रो रहा था, बता रहा था कि वैन के अंदर मेरे को भर रहे थे, और फिर अचानक रात में कोई ऐसे वीडियो आए कि ठीक है अथॉरिटी तो पुलिस वाली ही है लेकिन उनके साथ भी कोई व्यक्ति थे, वो बता रहे थे, वो मतलब जानकारी वो दे रहे थे, पुलिस वाले अपने मुँह से जानकारी नहीं दे रहे थे, नॉन गवर्नमेंटल कोई व्यक्ति खड़े थे, वो बता रहे थे कि ये बच्चा है, इसने बच्चे ने बोला कि मैं डर गया था इसलिए मैंने बहाना करा, से नाकाम रह रही है। तो उनको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि मीडिया के ऊपर में ठीकरा फोड़ दिया जाए, जबकि ये देखा जाता है कि पत्रकार पुलिस और प्रशासन के साथ ही काम करता है। जब कोई चीज़ प्रशासन को पत्रकार दिखाता है, उसकी जांच होती है, पुलिस करती है और उसका विषय रहता है जांच का, उसके बाद वो सच्चाई सामने आती है, लेकिन फिर भी एक पत्रकार को बदनाम किया जाता है, उसे उस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि पत्रकार प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो उन खबरों को दिखाता है जो खुद के उनके स्टेटमेंट होते हैं, सबूत होते हैं, और तभी वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो खबरों को दिखाता है। एलिगेशन लगाना आसान है लेकिन उस पर गौर करना और उसको सच्चाई के साथ देखना ये अलग चीज़ है। मैं एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा आपको कि नागपुर महानगर पालिका जो है वो जैसे बाजार भरते हैं, वहाँ जाके कार्रवाई करते हैं, अतिक्रमण की कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसे कई झोपड़पट्टियाँ हैं जो स्टेशन के पास में हैं और ये बाहर से आए हुए लोग जो क्राइम करते हैं, मोबाइल चुराते हैं, तरह तरह की, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा हमेशा कि मोबाइल लेके भाग जाते हैं, तो नागपुर महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाता और कार्रवाई क्यों नहीं करता? नागपुर महानगर पालिका बाज़ारों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, सुरमा बन के कार्रवाई करती है। कई बार ऐसे वीडियोज़ देखने में आते हैं कि जब गरीब ठेले वाले अपना सब्ज़ी बेच रहे हैं या तो फल बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, तो उनका सब्ज़ी और फल तक के पैरों से रोन देते हैं नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी, इतने बड़े सुरमा बन जाते हैं कि वो गरीबों के ऊपर उनकी इतनी ताकत की वो आजमाइश करते हैं, घेर घेर कर भिखारी लोग अपने डेरे डाल के बैठे हुए रहते हैं, उनके पीछे आके ऐसे कौन से सोर्सेज है कि उन लोगों पर कार्रवाई करने के टाइम नागपुर महानगर पालिका के आंखों के ऊपर में काली पट्टी बंधी हुई नजर आती है, उनके ऊपर वो कभी कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते। इसके लिए भी हम लोग इतने टाइम से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने अच्छे से समझाया है, बार बार प्रशासन को मांग करने पर, रिक्वेस्ट करने पर अगर नहीं समझ में आएगा तो मजबूरन कानून को तो हम हाथ में लेते नहीं, मजबूरन हमको कानून के दायरे में रहकर रस्तों पे उतरकर अपने तरीके से फिर प्रशासन को जगाने का काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। जीशान सिद्दीकी साहब TNN 24 न्यूज़ चैनल पे बंधे थे जो जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है। मैं कहना चाहूँगा कि अफवाहें तो काफ़ी है लेकिन अफवाहों पर यकीन करना भी गलत होता है, क्योंकि ये बच्चे ने खुद भी अगर स्टेटमेंट दिया है तो मेरा बोलना ये है कि जिस घटना स्थल को बताया गया है कि जहाँ यहाँ पर मेरे साथ में घटना घट रही थी वो जगह पर CCTV फुटेज चेक किए जाने चाहिए, और अगर वो बच्चे ने इतना बड़ा झूठ बोला है तो बच्चे के लिए तो खैर कोई बात नहीं है लेकिन वो बच्चे के भी ऊपर में उसको सही तरीके से कंसल्ट किया जाना चाहिए, बाल सुधार गृह तक के ऐसे बच्चों को ले जाना चाहिए। पुलिस सीधा सीधा दावा कर रही है कि ये मामले सब गलत है, झूठे हैं, अफवाह है, सबूत हो तो बताएं, और सही में किसी के पास ये सबूत नहीं है कि किसी ने किसी किडनैपर को पकड़ा हो। आपको क्या लगता है कि ऐसी वारदातें हो रही हैं शहर के अंदर? देखिए, वारदातें शहर के अंदर में मेरा बोलना ये है,
पिछले काफ़ी समय से हम लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर में काम कर रहे हैं। यदि बच्चा चोरी गैंग कहीं भी सक्रिय नहीं है तो मेरे को सबसे पहली बात यह है कि ताज्जुब की बात यह है, बच्चों का भीख मांगना जैसा चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, वैसे ही बच्चों का भीख मांगना भी एक इल्लीगल एक्टिविटी है। ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात है, कई जगह देखने में आता है कि पुलिस वाले खड़े रहते हैं और सामने में बच्चे खुलेआम भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। यदि कोई भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गैंग या बच्चों से भीख मंगवाने वाली गैंग सक्रिय नहीं है तो आखिर वो कौन लोग हैं जो बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, और आखिर ऐसे कौन से सपोर्ट है, कौन से जैक लगे हुए हैं कि पुलिस के सामने अगर बच्चा बिंदासी से भीख मांगता हुआ नज़र आता है तो इल्लीगल एक्टिविटी करते हुए पुलिस वाले रोकते हुए हमको नज़र नहीं आते। मेरे खुद के पास इसमें कई प्रूफ के तौर पर फुटेजेस अवेलेबल है। दूसरी चीज़, आप एक बात गौर करिए, जब भी ये जो बच्चे चोरी होकर के आए हैं या बच्चे जो भीख मांग रहे हुए नागपुर में नज़र आते हैं, इनमें आपको भीख मांगने में कभी भी नागपुर के लोकल बच्चे नज़र नहीं आएंगे। उनसे बात करो तो समझ में आता, कोई बंगाल का बच्चा नज़र आता है, कोई ओडिशा का बच्चा नज़र आता है, कोई राजस्थान का बच्चा नज़र आता है। बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि अगर बच्चा घूम भी आता है अपने घर से तो ओडिशा से नागपुर या राजस्थान से नागपुर तक कहाँ से वो ट्रैवल करके इतना सा बच्चा आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा दूसरे स्टेट से एक स्टेट में आ रहा है तो उसको ट्रैफिकिंग करके लेकर के आया जा रहा है, इसकी पड़ताल कड़ी से कड़ी होना चाहिए। अगर कोई बच्चों से अपन बात करने जाओ तो 5-10 मिनट में कोई ना कोई उनका माँ या बाप बनकर आ जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया TNN24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई हैरत अंगेज वीडियो वायरल होते हैं जिसे हम भी देखकर दंग हो जाते हैं, लेकिन पुलिस का तो ये कहना है कि ये सब अफवाह है। सच माने तो किसकी माने, जनता की माने या वो सोशल मीडिया की जो उसे हम रात दिन देखते हैं, या सच माने पुलिस की। लेकिन मैं यहाँ नागपुर पश्चिम के DCP साहब संदीप पखाले जी से कि वो ज़रा सा उस नागपुर के रेलवे स्टेशन के सामने जाएं जहाँ बच्चे बिलबिलाते हुए भीख मांगते हैं, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जैसा कि जीशान सिद्दीकी ने कहा है, हम एक बिंदु दे सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते, कार्य करना पुलिस का काम होता है।